हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं आपसे कुछ ऐसे तीन लक्षण मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नजर आते हैं। तीसरे तिमाही में आपके शरीर में आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण कौन कौन से बदलाव ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम लड़के के टाइम पे होते हैं, कौन कौन से बदलाव लड़की के टाइम पे होते हैं। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो मेरे साथ हुआ है, लड़के के टाइम पे जो सिम्टम्स मुझे दिखे हैं, लड़की के टाइम पे जो सिम्टम्स मुझे दिखे हैं, दोनों में क्या क्या चेंजेस थे, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें बैन हैं। तो एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। ज़्यादा इजी नहीं होता है 9 मंथ। 9 मंथ के दौरान बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक सवाल आता है कि क्या ये सारी चीज़ें जिसके लिए मैं सह रही हूँ वो क्या होने वाला है, वो मेरे घर क्या आने वाला है, बेटा आने वाला है या फिर बेटी आने वाली है। हो सकता है कि आपको बेटी की इच्छा हो, क्योंकि अगर आपके पहले बेटा होगा तो जाहिर सा बात है कि आप चाहेंगे कि एक लड़की हो जाए और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर आपका एक लड़का है तो आप चाहेंगे कि एक लड़की हो जाए और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। कहीं ना कहीं एक माँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, सर प्लानिंग चल रहा होता है, क्योंकि बच्चा तभी आदमी प्लान करता है जब एक माँ को उसका फ्यूचर दिखाई देता हो कि हाँ हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाने वाली है या फिर मेरी लड़की होगी तो मैं ऐसे उसको तैयार करूँगी, ये कपड़े पहनाऊंगी, तो बहुत सारे थॉट चलने लगते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे सपने सज गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि चावल से 1 लिखने का, 2 लिखने का, जैसे जैसे बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बहुत तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। साथ ही साथ अब मेरे टाइम पे जब मैंने डिलीवर किया था बच्चे को, अभी तो बहुत चेंज हो रहा है आगे आगे, लेकिन जब मैंने बच्चा को कंसीव किया था, जब मेरा बच्चा हुआ था, तो हम लोग ये सारे 1 मंथ 2 मंथ वाला नहीं था उस टाइम पे, और इतना मुझे पता भी नहीं था। तो हम लोग हर मंथ उसका केक काटते थे, चाहे वो पेस्ट्री ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर महीना हम लोग केक ही लेकर आए, लेकिन हाँ पेस्ट्री ही क्यों ना हो, हम लोग सेलिब्रेट जो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लगेगा क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड हुआ है बहुत दिन से। हम लोग अभी साउथ की तरफ गए थे, कुछ काम था उधर, तो वहाँ का पानी चेंज हुआ, फिर इधर का पानी चेंज हुआ। अगर आप मेरे इंस्टा पे होंगे तो आपने देख लिया होगा कि वहाँ के मैं रील्स वगैरह डाली हुई हूँ, और बहुत ज़्यादा गैपिंग भी हो गया था वीडियोस अभी बहुत दिन, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक भी आया हुआ था, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं 8 दिन 10 दिन में कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। पता नहीं यूट्यूब ने क्यों स्ट्राइक किया था। फिर मैंने यूट्यूब को अपनी तरफ से कमेंट्स किया तो यूट्यूब ने हटा भी लिया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरा वीडियोस क्यों अपलोड नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है अभी यूट्यूब का। तो बाद में पता चला जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मतलब ऐसे क्यों है, येलो कलर का बस आ गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने देखा तो पता चला कि स्ट्राइक आया है, पूरा खोल के देखा और उधर टाइम भी नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं बोली ना कोई काम से गए थे हम लोग तो टाइम नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे आए तो वही बिजी बिजी एकदम तबीयत ख़राब हो गया, फिर और भी पेंडिंग काम थे जिसमें लग गया। आज बहुत दिनों बाद मैं फुर्सत से बैठी हूँ, आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत सारी बातें निकल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडी, बहुत गाड़ी आती है और
शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट। मैं आज आपसे बात करूँगी कि तीसरी तिमाही में आपको कौन कौन से बदलाव नज़र आते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब से आप प्रेग्नेंट होते हैं, तब से आपको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा देना है, चाहे वो पहली तिमाही हो, दूसरी तिमाही हो या फिर तीसरी तिमाही हो, आपको तीनों तिमाही में अपना ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो आप तीसरी तिमाही में बदलाव देखेंगे कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा उभार नज़र आएगा। इस टाइम पे तीसरी तिमाही में देखेंगे या तो आपका पेट गोल शेप में रहेगा या फिर आपका पेट लंबे आकार का रहेगा। यूट्यूब पर भी है, गूगल में भी है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि अगर आपका गोल फुटबॉल के आकार का पेट निकला हुआ है और आपका पूरा चेहरा चबी चबी हो गया है, पूरा बॉडी फैल रहा है, मतलब आप गोलू मोलू टाइप के हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर तीसरी तिमाही में आपका पेट बिल्कुल लंबे आकार का नीचे की तरफ उभार ज़्यादा है, ऊपर की तरफ उतना नहीं है, और साथ ही साथ आपके चेहरा बहुत ज़्यादा चबी चबी नहीं हुआ है, आपका चेहरा सूख रहा है या फिर आंखें अंदर चली गई है, रहता है जैसे मेरा बालों का ग्रोथ अच्छा हो गया था बेबी बॉय के टाइम पे, इस टाइम अगर आपके पेट का उभार बिल्कुल लंबे आकार का है, नीचे की तरफ है, तो कहा जाता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तीसरी तिमाही में आप ये अंतर देख लीजिए कि अगर आपके साथ नज़र आ रहा है, या देख लीजिए आपका राउंड आकार का पेट निकला है, देख लीजिए कि आपके फुटबॉल आकार का पेट निकला है या फिर लंबे आकार का पेट निकला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। वैसे ये बोला जाता है, कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई इस पर रिसर्च नहीं हुआ है, बस पुराने बुजुर्ग और हम आप लोगों जैसी लेडीज से ये सिम्टम्स सच्चाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मैच किया था, जैसे मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा ही मैच किया था। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि अगर आपका लंबे आकार का पेट निकला है तो हो सकता है कि आपने बॉय कंसीव किया है, कि उन्होंने बहुत सारे महिलाओं पे देखा हुआ है, बहुत सारे गर्भवती महिलाओं पे देखा हुआ है कि उनके साथ ये सिम्टम मैच किया है, जब उनका लंबे आकार का पेट निकला है तो उनको बॉय हुआ है, जब उनका फुटबॉल के आकार का पेट निकला है तो उनको गर्ल हुई है। और मेरे अगल बगल मैंने बहुत ज़्यादा अपने अगल बगल भी देखा हुआ है कि जिनका गोल शेप का पेट निकलता है तो ज़्यादातर उन्होंने बेबी गर्ल को डिलीवर किया है, और जिनका लंबे आकार का पेट निकलता है तो ज़्यादातर उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा मैच किया था, मैं बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गोलू मोलू चबी चबी हुई थी, जितनी मैं बेबी गर्ल में हुई थी बहुत चबी चबी, मेरे नाक मोटे मोटे हो गए थे, और बेबी बॉय में मेरे नाक जैसे थे वैसे ही हैं। नाक के ऊपर भी बोला जाता है कि अगर आपकी नाक मोटी हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया, अगर आपके नाक जैसे हैं वैसे ही हैं तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया। तो मेरा नोज़ में मुझे बहुत ज़्यादा समझ आया था, क्योंकि मैं एक छोटा सा नोज़ पिन पहनती थी बेबी गर्ल के टाइम पर, तो मेरे नोज़ बहुत छोटा मैं पहनती थी, तो उस समय मेरे नोज़ इतने फूल गए थे कि वो नोज़ पिन बिल्कुल अंदर चला गया था और मुझे चुभ रहा था। तो उसी टाइम से जो मैं नोज़ पिन निकाली वो अब मैं अभी तक नहीं पहनी हूँ, कहीं खो गया फिर उसके बाद मैं ली भी नहीं, क्योंकि अब मुझे नोज़ पिन पहनने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं ली। और बॉय के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ अंतर नहीं लगा था, तो ये अंतर था। और ये बोला भी जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके नोज़ मोटे हो जाते हैं, तो हाँ मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है ये। अगर आपके साथ भी हो रहा है, आप देख लीजिए कि अगर आपके नोज़ मोटे लग रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके नोज़ पतले हैं पहले जैसे ही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा कालापन नज़र आ रहा है, छोटे छोटे दाने हो गए हैं निप्पल के आसपास एरिया में, और वो निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क काला हो गया है। अगर आपको काला लग रहा है तो ये सारे संकेत जाते हैं कि आपको बॉय होगा, क्योंकि बॉय के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बहुत सारी महिलाओं में दिखे हैं, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, और मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया था जब मैं बॉय को कंसीव की थी,
तो मेरा निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क काला हो गया था, और जब बेबी गर्ल को कंसीव की थी तो लाइट ब्राउन था, लाइट ब्राउन नहीं डार्क ब्राउन था। और छोटा बड़ा तो एक होता ही है आपका, लेकिन इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही समझ आने लगता है कि छोटा बड़ा हो गया है। और येलो कलर का स्राव भी उस समय स्टार्ट हो जाता है तीसरी तिमाही में। कहा जाता है कि आपका स्तन फिटिंग के लिए तैयार होता रहता है, इसलिए वो रिसाव होने लगता है। कई लोगों का डिलीवरी के बाद होता है, कई लोगों का डिलीवरी के 10 दिन पहले से होने लगता है। आपकी स्तनों का निप्पल का कलर डार्क ब्राउन या फिर बहुत ज़्यादा काला आपको फील हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है, आप देख लीजिए कि आपके साथ ये मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके आधार पे आप अंदाजा लगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए निरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।